हेलो। खुद को दुनिया के सामने एक्सपोज करके बहुत फखर महसूस करती हूँ। इस दुनिया में अकेली औरत का इज्जत और शराफत से जीना बहुत मुश्किल है। आप अपनी ये ऑफर किसी और को दीजिए। I am not available for these things। तुमने तो कहा था लोगों से बातचीत करो, ऐसे PR बनेगी और अब तो। हाँ तो मैं ही बोल रहा हूँ ना कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तो फिर नहीं अच्छा लग रहा। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मान। सलमान, क्या हुआ तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? बस ऐसे ही। तुम जाओ, लोगों से मिलो, पार्टी एंजॉय करो प्लीज। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे अकेले बहुत अजीब सा लग रहा है ना। तुम अचानक क्या चले आए, बताया भी नहीं मुझे। हेलो सलमान, तुमसे बात कर रही हूँ, क्या हो गया है? इज एवरीथिंग ऑल राइट? हिमान, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे तुम्हारा लोगों से घुलना मिलना, उन सबसे बात करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा जी, मैं तुम्हारे कहने भी तो सब कुछ कर रही हूँ। तुमने तो कहा था लोगों से बातचीत करो, ऐसे PR बनेगी और अब तो। हाँ तो मैं ही बोल रहा हूँ ना कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तो फिर नहीं अच्छा लग रहा। लेकिन क्यों? हिमान, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मान। मैं बस रेडियो मोबाइल दिख रही हूँ, ठीक है? आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, वो तो मैं हूँ। अच्छा, इतना गुरूर? खूबसूरत हूँ तभी तो मॉडल बनी। यानी कि हमें कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये सब तुम्हारी वजह से तो मुमकिन हुआ। एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है? तो फिर मुझसे वादा करो, ये जो हाथ पकड़ा है ना, ये कभी नहीं छोड़ोगे तुम? कभी नहीं छोड़ोगे। तो फिर ये दूरी कैसे? Don't you trust me? I do. तो इतना हक तो दो ना मुझे। सारी चीजें बहुत अच्छे से मैनेज हो गई, इस तरह टीम वर्क से ही सब कुछ बैलेंस होता है। तो शी इज़ इमान, आवर एमर्जिंग टैलेंट। रैम वॉक्स के अलावा बहुत सारे फैशन शूट्स और कमर्शियल्स कर चुकी है। हेलो इमान, मिस्टर बाबर इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। और ये है मिस्टर गौरी, इनके बिजनेस पार्टनर। हेलो ब्यूटीफुल। वैसे तो मैं सिमान बहुत खूबसूरत चेहरे देखे हैं, लेकिन आप में कुछ खास ही है, क्यों गौरी? आई एग्री। कल आइए ना हमारे फॉर्म हाउस पर, छोटी सी पार्टी रखी है कुछ करीबी दोस्त अहबाब के लिए। मगर मैं वहां आकर क्या करूंगी? कुछ नहीं, बस पार्टी एंजॉय कीजिएगा और क्या। लगता है आप पहले कभी ऐसी पार्टीज में गई नहीं। स्ट्रेंज। जी बिल्कुल ठीक समझा ना, मैं इस तरह की पार्टीज अटेंड करती हूँ
और ना ही मुझे कोई शौक है। आप अपनी ये ऑफर किसी और को दीजिए। I am not available for these things. Excuse me. चलो गौरी यहाँ से, बहुत इंसल्ट हो गई हमारी। अरे मिस्टर बाबर, बात सुनिए मिस्टर बाबर मेरी, एक मिनट मिस्टर गौरी, मिस्टर बाबर, अरे मेरी बात तो सुन ले एक दफा। इस दुनिया में अकेली औरत का इज्जत और शराफत से जीना बहुत मुश्किल है, पर देखिए आपकी बेटी इतनी मजबूत हो चुकी है कि मुसलसल ये जंग लड़ती जा रही है। बस कभी कभी एक बात का डर लगता है कि जंग लड़ती लड़ते जीत से पहले हार ना जाऊं। हेलो, खुद को दुनिया के सामने एक्सपोज करके बहुत फख्र महसूस करती हूँ। उस रात तो तुम्हें अपनी इज्जत बचाने की बहुत फिक्र थी। जब अपने ही घर दरिंदा सिफत इंसान मौजूद हो ना, तो उस घर की दहलीज पार करके बाहर चौराहों पे जगमगाना बेहतर होता है। खैर, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे आइंदा कॉल मत करना, क्योंकि अब मैं ऐसी फील्ड से ताल्लुक रखती हूँ ना कि अगर मैंने मीडिया में बोल दिया जाकर कि मुझे एक बंदा हरास करता है तो मुंह छुपाते फिरोगे तुम अपना। इतना ऊंचा ना उड़ो कि जब गिरो तो तुम्हारा वजूद ही ना रहे। और तुम्हारे गिरने का वक्त बहुत करीब आ चुका है। अपने घर मनाओ। बकवास बंद करो अपनी। कौन? मैं सलमान। क्यों आए हो? अभी तक नाराज हूं मुझसे। हूं, लेकिन तुम्हें क्या परवाह मैं नाराज हूं या ना हूं। अरे किसने कहा कि मुझे परवाह नहीं तुम्हारी? मुझे तो है तुम्हारी पर मोहब्बत। तो तुम्हें बातें हैं बस सारी। अच्छा सॉरी, प्लीज सॉरी ना, मान जाओ ना। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लिख रहा हूँ। हेलो, पकड़ लो। थैंक यू। बस एक बात बताओ, तुम में और फूलों में मुझे कोई खास फर्क नहीं लगता। लो, शुरू हो गई आपकी झूठी तारीफ। अरे कौन कमबख्त झूठी तारीफें कर रहा है? वैसे तुमने ना मुझे अपना दीवाना बना दिया है। तुम्हारे बगैर ना एक भी पल नहीं गुजर सकता। ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता तुमसे। अच्छा सुनो, अच्छी सी कॉफी मिलेगी तुम्हारे हाथों। अच्छा रुको, हाँ तो सुनो, तुम्हारे लिए ना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसका तुम बहुत वक्त से इंतजार कर रही हो। कैसी अपॉर्चुनिटी है? एक बताऊंगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए मजीद मेहनत करनी होगी। वो तो मैं कर लूंगी, लेकिन डिपेंड करता है कि काम क्या है और उसका स्कोप क्या है। उसकी फिक्र मत करो, मैं हूं ना। कॉफी? या श्योर।